Hello student, good morning. Today I am going to solve some more questions of linear equation in two variables. Okay, and after that I will show you how to plot graph of linear equation in two variables. First question is if the point -2, 4 is the point -2, 4 lies on the graph of equation, a -1 into y plus 3x is equal to 6. Find two more solutions of the equation. आंसर देखिए, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि इसमें a की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है ना. जब a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसके दो और सोल्यूशंस निकालेंगे. एक ए का एक सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है -2, 4 लाइज ऑन द ग्राफ. इट मीन्स -2, 4 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो a -1 into y plus 3x is equal to 6. अब -2, 4 को इस पे x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा. a -1 into y है 4 plus 3 into -2 equal to 6. तो ये क्या हो जाएगा, 4a -4 plus 3 into 2 -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6. -4 -6 कितना हो जाएगा, -10. तो 4a -10 equal to 6, तो 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4. तो a इज इक्वल टू -1. अब a की वैल्यू आ गई -1, ठीक है ना. अब a की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पुट कर दें, तो क्या क्या हो जाए, -1 -1 कितना हो जाएगा, देखिए a -1 रख देंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा. तो -1 -1 into y plus 3x is equal to 6, ये हो गया -2y plus 3x is equal to 6, और 3x minus 2y is equal to 6. अब इसके दो और सोल्यूशंस निकालने हैं हमें, ठीक है ना. तो क्या कहते हैं, पहला सोल्यूशन कैसे हमने आपको बताया है, एक बार x रख दें 0 और एक बार y रख दें 0, दो सोल्यूशंस अपने आप ही मिल जाएंगे. तो x इज 3x minus 2y is equal to 6. अब x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 into 0 minus 2y is equal to 6. तो ये 0 हो जाएगा, तो -2y is equal to 6, तो y is equal to -3. तो पहला सोल्यूशन क्या हो गया, 0 minus 3. अब दूसरे सोल्यूशन के लिए अब y is equal to 0 लिख दीजिए, तो y is equal to 0 लिख दिए, तो 3x minus 2 into 0 is equal to 6. तो 3x, अब ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 2. तो दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, 2, 0. तो ये दो और सोल्यूशंस हो गए, ठीक है. सबसे पहले a की वैल्यू निकाल के कंप्लीट इक्वेशन बनाए, और फिर उसके बाद दो सोल्यूशंस निकाल लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus 5y is equal to k.
तो अब इसमें देखिए x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 इसमें रख दें तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, x प्लस 5y इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा 3, 5 इंटू 1 5, 5 3 8, तो k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू आ गई। इस तरीके के कई क्वेश्चन बनते हैं, कई वेराइटी में बनाए जाते हैं। इसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y इज इक्वल टू k एंड 3x plus y इज इक्वल टू k। देखिए यहां पर ये ध्यान देना है कि ये अगर ये सोल्यूशन है इसका तो इसका भी, तो इसका मतलब k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर दोनों में k की वैल्यू सेम आएगी तो ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है, और या फिर आपका क्या कहते हैं आंसर ही गलत है, ठीक है। तो पहला ले लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, अब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 रख दें तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, ये हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के 7 इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू यहाँ 7 हो गई। अब दूसरा ले लीजिए, ये है 3x प्लस y इज इक्वल टू के, यहाँ पर भी वही रखें तो x इज 3 इज इक्वल 3 इंटू 2 x इज इक्वल टू 2 रख दिया प्लस y 1 इज इक्वल टू के, ये हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू के, तो ये भी हो गया 7 इज इक्वल टू के। अब देखिए k इज इक्वल टू 7 यहाँ पर भी है, k इज इक्वल टू 7 यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये सोल्यूशंस जो है दोनों इक्वेशंस को कंप्लीट कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके का एक क्या कहते हैं वो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो है 3 हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लेट वाई वेरीज डायरेक्टली टू एक्स एज एक्स, लेट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 then write the linear equation, ठीक है, and what is the value of y when x is equal to 5, x is equal to 5। अब आंसर देखिए, देखिए आंसर में सबसे पहले हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, और उसके लिए कंडीशन क्या दे रहा है, लेट वाई वेरीज डायरेक्टली टू एक्स, इट मींस वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर
a, where a is a constant. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू ए एक्स. अब हमारे क्या, हमें क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है. तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4, वो हम यहाँ पे उठा के पुट कर दें. तो y इज इक्वल टू 12 रख दीजिए इज इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू है 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3. अब हमारा क्या कहते हैं सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x आ गया. ये कम लीनियर इक्वेशन हो गया, पहला आंसर हो गया आपका ये. अब दूसरा कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5, यहाँ x इज इक्वल टू 5 रख दे तो y की वैल्यू आ जाएगी. तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15. तो x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी. ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या कहते हैं ये सोल्यूशन होते हैं, इक्वेशन बनाया जाता है. अब एक क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि शो दैट द पॉइंट्स a 1 2 b -1 -16 and c 0 -7 and c 0 -7 lies on the graph of equation y इज इक्वल टू 9x -7. देखिए अब इस आंसर में क्या है कि कह रहा है कि ये अगर कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, अगर ये इसको इस पर लाई करता है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे. तो रख के देखा जाए तो y इज इक्वल टू 9x -7, तो x a इज इक्वल टू 1 है, 1 रख, x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 2, यहाँ 2, 9 इंटू x का वैल्यू है 1 -7, तो ये 2 इक्वल टू 2, 9 1 9 -7 2, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS. ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसी तरह -1 और -16 रख के देख लीजिए तो y इज इक्वल टू 9x -7, यहाँ पे -7 ये है, ये -16 है, इज इक्वल टू 9 × -1 है इंटू -7, ये क्या हो गया -16 इक्वल टू 9 × -1 9 × -1 -9 और -7, 9 − 7 = 16 हो जाएगा. तो ये हो गया -16 और ये भी -16, तो कितना, ये भी LHS इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसी तरह यहाँ 0 और 7 रख देंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे. x इज इक्वल टू 0 रख दीजिएगा और y इज इक्वल टू -7, देखिए -7 = -7 हो जाएगा. इस तरीके से इस तरीके के ग्राफ में सोल्यूशन निकाले जाते हैं. ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द सोल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 8, x + 2y = 8 which represent a point on, first है x axis,
और सेकंड है वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए क्या है कि x इज इक्वल टू, एक्स क्या दे रहा है, इक्वेशन क्या है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। अब हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले x एक्सिस कि अगर कोई चीज x एक्सिस पे लाई कर रही है, कोई कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये इसका इसका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और जीरो, ठीक है ना। व्हेन पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस, यहां लिख दीजिए, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस its coordinate is x जीरो, ठीक है। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू इंटू जीरो इक्वल टू 8, इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 होगा। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 8 जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सोल्यूशन 8 0। अब इसी तरह वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट इस जीरो वाई। अब इस इक्वेशन में हम एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दें तो जीरो प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज 0 4। इस तरीके के क्वेश्चन, ये वैरायटी इस तरीके बनाई जाती, होते बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब आपको हम ग्राफ पे बना के दिखाते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रा अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 12। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या, सबसे पहला आंसर, पहले हमको सॉल्यूशंस निकालने होंगे जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करें, और क्या कहते हैं वही इस पे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखिए कि क्या कहते हैं, यहाँ से हम किसी एक चीज की वैल्यू को क्लियर कर लें। तो जैसे यहाँ पे है कि y इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन 6। अब हम इसमें जो है सोल्यूशन के लिए बारी बारी वैल्यू रखें। तो पहले देखें हमने क्या कहा, एक बार x इज इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए, एक बार y इज इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ x इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 0 अपॉन 6, ये हो जाएगा 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो पहला सोल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन क्या होगा, पहला पॉइंट क्या हो गया, 0 6, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखिए कि ऐसा क्या रख दें जिससे क्या कहते हैं ये 0 हो, ये फिर क्या कहते हैं वो मिल जाए। देखिए एक बड़ा सिंपल है कि अगर हम यहाँ 6 रख दें, x इज इक्वल टू 6, तो 12 माइनस 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी करके देख लीजिए। तो हम क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 अपॉन 6, तो ये 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो सेकंड क्या हो गया,
6 in 6,1, ये सेकंड हो गया। एक पॉइंट और, 3 पॉइंट कम से कम निकाल लेना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो थर्ड क्या होगा, देखिए अब इस इक्वेशन में और क्या रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 रख दें तो ये y 0 हो जाएगा। देखिए 12 माइनस 12 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 6 0 हो जाएगा। तो y इज x इज इक्वल टू, हम क्या रख रहे हैं अब, x इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 अपॉन 6, ठीक है, ये हो जाएगा 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया थर्ड सॉल्यूशन, क्या हो गया कि 12,0। अब इसको हमें ग्राफ पे प्लाट करना है, ठीक है। ग्राफ पे प्लाट करने के लिए जैसे हम लोग पहले करते रहे हैं कि देखिए सबसे पहले हम लाइन खींच लें, ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते रहे हैं। तो ए सपोज कर लीजिए, हमें देखिए एक्स इज इक्वल टू 12 तक चाहिए, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 12 और वाई इज इक्वल टू कहाँ तक चाहिए, देखिए 6 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम यहाँ तक ले ले रहे हैं। अब y इज एक्स इज इक्वल टू 12 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हम ले ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये खींच दे रहे हैं, देखिए ठीक है, और इसको ऐसे खींच, इसको थोड़ा सा और पीछे तक कर दे रहे हैं, ये और इसको ऐसे मिला दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले है 0, 6, पहले क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया है 0, 6, तो x पे 0 है, ये 0 हो गया, और 6 पहले नंबर डाल दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक गए, ठीक है। और यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7, तो 0, 6 के लिए ये 0 है और ये 6 है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं कि ये पॉइंट तो यहीं पे रहेगा 0, 6,